आज गाइस लाइफ में मेरे साथ दूसरी बार ऐसा हुआ है कि एसआर के सर का उसमें रिप्लाई आया। साथ ऐसा हुआ है, लास्ट टाइम जनवरी में हुआ था और अभी सितंबर में। हमारी बाइक हो गई है पंचर, सिर्फ इसी वजह से मेरे को जीटी पसंद नहीं है। हाँ, उसमें एंटी थेफ्ट अलार्म लग रहा है, अगर किसी को लगवाना होगा तो आ जाना बॉयज। और कहाँ पर क्या लगा है भाई, देखो यहाँ पर एक कील लगा हुआ है यार। इस हरामी के वजह से आज हम लोगों को इतना सफर करना पड़ रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज की व्लॉग की शुरुआत एकदम रात को, क्योंकि आज का दिन जो है ना एकदम मिक्स गया। एक तो एकदम अच्छा भी गया, एकदम घटिया भी गया। घटिया क्यों गया, क्योंकि हमारी बाइक हो गई है पंचर, सिर्फ इसी वजह से मेरे को जीटी पसंद नहीं है। ये वाली मिस्टर क्लीन वाली, अब इसको देखते हैं। भैया के पास लेके तो आया हूँ, कैसे कैसे करके बन जाता है तो चलते हैं फिर। तो भाई घूम फिर के हम लोग आ गए हैं शिकारी भैया के पास, क्योंकि भाई जहाँ पहले रुका था इससे उसका भरोसा नहीं था भाई, वो कुछ भी कर दूंगा बोल रहा था और मेरे को डर लग रहा था। तो मैं शिकारी को बोला भैया मैं सीधा इधर ही आ जाता हूँ। तो और देखो हमारा लड़का उधर फोन में है, इसका टायर निकल चुका है और बनेगा जल्दी से। गाइस थोड़ा सा प्रोग्रेस, टायर खुल गया है। ट्यूब का क्या हाल है भाई, कहीं से कुछ कटा फटा है? अरे यार दिखाई नहीं। आज हो पाएगा कि नहीं यार, हो पाएगा आज हमारी गाड़ी? हो जाएगा ना, चलो ठीक है। मिल गया। दिखाओ कहाँ पर क्या लगा है भाई, देखो यहाँ पर एक कील लगा हुआ है यार। इस हरामी के वजह से आज हम लोगों को इतना सफर करना पड़ रहा है। इसमें ये ठीक हो गया ना? हाँ, सफर से बचाने वाला हमारा शिकारी भाई। और वैसे ये ट्यूब ठीक हो गया आई गेस। हो गया भाई ठीक? कहाँ गया? हाँ यहाँ पस लगा था, हालत ख़राब हो गया भाई, गाड़ी आगे पीछे नहीं हो रहा था। फिलहाल वैसे ये आर ओन, इसमें क्या काम चल रहा है इस अबे बाइक में क्या काम चल रहा है बता? हाँ उसमें एंटी थेफ्ट अलार्म लग रहा है, अगर किसी को लगवाना होगा तो आ जाना बॉयज। ये कहाँ गया? ये है वो हरामी मानुस, ये इसके वजह से पूरा सफ़र करना पड़ गया हम लोग को। इतनी छोटी सी चीज़ भाई। तो गाइज मैं घर आ चुका हूँ, गाड़ी बन गई थैंकफुली। और आज का सीन ऐसा था कि मैं अपने फ्रेंड को बुला लिया था आयुष को, कि आज वो मेरे को ऑफिस साथ में ले चले, तो आज तो हो गया। और भाई बहुत मुश्किल होता है भाई, अगर जीटी पंक्चर हो तो बहुत हालत ख़राब हो जाता है। सिर्फ जीटी मेरे को इसी नाम से थोड़ा सा वो होता है कि भाई ट्यूबलेस टायर होता तो इतना दिक्कत नहीं करना पड़ता। लेकिन ठीक है, बात रही, मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ बताने वाला था। तो भाई आज ऐसा दूसरी बार हुआ है मेरी लाइफ में कि अच्छा चलो कल की बात बताता हूँ। कल हम लोग गए थे जवान मूवी देखने के लिए, तो हम लोग वहाँ इवेंट रखे थे, अब उसके फ़ोटोज़ को हम लोग पोस्ट किए। तो आज गाइस लाइफ में मेरे साथ दूसरी बार ऐसा हुआ है कि एस आर के सर का उसमें रिप्लाई आया, और भाई मैं जैसे ही देखा फिर से मैं पगला आ गया था। मैं जल्दी जल्दी अपने कुछ कुछ ग्रुप वाले उनको कॉल मैसेज इंस्टा सब चीज़ किया कि भाई जल्दी से ट्विटर खोलो। मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, आप भी एक बार देख लो। तो गाइज़ ये दूसरी बार हुआ है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, लास्ट टाइम जनवरी में हुआ था और अभी सितंबर में। इस ईयर में दो बार भाई, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा। और पिछले बार वाला अगर आप नहीं देखे होगे तो वो भी स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। तो गाइस जब पिछले बार हुआ था जनवरी में तो भी मैं एक वीडियो बनाया था, एंड इस बार भी हुआ तो इस बार भी एक
वीडियो है ये भाई, मैं बस क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मेरी टीम वाले खुश है, मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी को बताया, मम्मी भी बहुत खुश हुई, बोली कुछ मेहनत किया तो कुछ फल मिला। और वहाँ पर सामने वैसा बिलासपुर अलग से मेंशन था, वो सबसे अच्छा लगा, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात थी। बाकी अभी जस्ट मैं वीडियो अपलोड किया हूँ और ये हमारा आईपैड चार्ज पे लगा हुआ है। जल्दी से ट्राई करता हूँ कि ये वाला भी वीडियो को एडिट एंड अपलोड कर दूँ। बाकी मैं वहाँ जब अपनी बाइक का पंक्चर बनवा रहा था तो वहाँ मुझे एक इंसान मिला जो काफ़ी फेमस है यहाँ तो, एंड हमारा साथ में कुछ प्लान हो रहा है, तो देखते हैं जो भी जैसा होता है। बाकी कल का हमारा प्लान ये है कि कल हम अपने ऑफिस वालों को ट्रीट देंगे, बिरयानी पार्टी देंगे, तो उधर रहेंगे। तो मेरे ख्याल से आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और ब्लॉग के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए दिस इज मी करण सिंह साइनिंग ऑफ एंड यू आर वॉचिंग अनकट ब्लॉग्स। बाय बाय।